छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना टारगेट लॉक कर दिया। 2018 में कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस का टारगेट है 75। जी हां, कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है और अपना लक्ष्य तय कर लिया। लेकिन सवाल यह कि क्या यह मुमकिन है? क्या कांग्रेस पिछली जीत से भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी तो खामोश नहीं बैठी है। सिर्फ सूबे का नेतृत्व नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी पूरा दम लगाने वाला है, और ऐसे में हार जीत किसकी होगी ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि मुकाबला जोरदार रहेगा। छत्तीसगढ़ में सियासी जंग का प्रचंड आरंभ हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। एक तरफ बीजेपी है जो 2018 में सिर्फ राज्य की 90 सीटों में से 15 सीटों पर सिमट गई थी, दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने 90 में से 68 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था, लेकिन वो करीब 5 साल पुरानी बात है। क्या ये मुमकिन है कि इतिहास खुद को फिर से दोहराए? कम से कम बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी सिर्फ सूबे के नेतृत्व के भरोसे नहीं बैठी, केंद्रीय नेतृत्व ने कमान खुद संभाल रखी है। बस्तर की 12 सीटों के लिए बीजेपी जोरदार कैंपेन कर रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बस्तर में उतारा जा रहा है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ में जल्द हुंकार भरते नजर आएंगे। गिरिराज जी का कार्यक्रम लगभग 3 दिनों का कार्यक्रम तय हुआ है। 3 दिनों के भीतर में बस्तर के हमारे कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दंतेवाड़ा यहाँ पर प्रवास में रहेंगे और विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें हमारी सभा होगी, हमारे लाभार्थियों का सम्मेलन होगा, प्रबुद्धजनों के साथ उनके साथ बैठकें होंगी, अधिवक्ताओं के साथ में उनकी मुलाकात होगी। इस तरीके कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जो हमारे अधिकारियों की भी यहाँ पर उनके साथ में बैठकें होंगी। लेकिन क्या कांग्रेस खामोशी से बीजेपी के चुनावी अभियान को ताकती रहेगी? जाहिर है ऐसा नहीं होने जा रहा। कांग्रेस ने तो 23 का टारगेट भी फिक्स कर दिया है, पिछले चुनाव से भी बड़ी जीत का टारगेट, 75 सीटों पर विजय पताका फहराने का महासंकल्प। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा? 75 सीटों पर जीत के इस बड़े लक्ष्य के पीछे कांग्रेस को बीजेपी की कमजोरी पर भरोसा है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में 4 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, पार्टी में लोग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, स्थिति विस्फोटक है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है बीच में ही नेता प्रतिपक्ष बदल दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी के में दिखता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से 3 प्रदेश अध्यक्ष इन 4.5 सालों में बदले। भारतीय जनता पार्टी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, हर कोई नेता बड़ा बनने का प्रयास करता है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निराशा हताशा के दौर से गुजर रही है। हम सत्ता और संगठन तालमेल के साथ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है 2023 में हम लोग एकजुटता के साथ जाएंगे और जनता का जनादेश हमको फिर से मिलेगा। कांग्रेस लगातार हर संभाग में बैठक और सम्मेलन कर रही है। बिलासपुर में बड़े सम्मेलन के जरिए कांग्रेस अपनी ताकत दिखाना चाहती है। कांग्रेस के पास चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिस पर पार्टी का पूरा भरोसा है, लेकिन खेल और सियासत के मैदान में हवा का रुख कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अभी भी चुनाव में कई महीनों का वक्त है और दोनों ही पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।